एम एस धोनी ने टीम इंडिया को फर्स्ट टी ट्वेंटी आई जिताया रिंकू सिंह ने मैच के बाद असली राज बताया रिंकू सिंह वो खिलाड़ी जिसने टीम इंडिया के लिए जब से टी ट्वेंटी इंटरनेशनल में अपना डेब्यू किया है तब से सिर्फ और सिर्फ कमाल ही किया है रिंकू सिंह टीम इंडिया के लिए फिनिशिंग का रोल अदा करते हैं और क्या खूब अदा करते हैं जिसके बाद उन्हें फिनिशर का टैग भी दे दिया गया है रिंकू सिंह ने कई सारी लाजवाब पारियाँ खेली है मैच जिताऊ पारियाँ खेली अपनी लाजवाब पारी से इंडिया को कई सारे मैच में जीत दिलाई है अफगानिस्तान के खिलाफ भी टीम इंडिया ने जो पहला टी ट्वेंटी ग्यारह जनवरी को खेला वहां पर भी रिंकू सिंह एक बार फिर से नॉट आउट लौटे रिंकू सिंह ने छोटी पारी खेली नौ गेंदों में सोलह रन लेकिन काफी इंपैक्टफुल पारी थी शिवम दुबे के साथ मिलकर मिलकर पार्टनरशिप बनाई और उनके साथ ही मिलकर टीम इंडिया को मुकाबला जिताया मुकाबला समाप्त होने के बाद जब रिंकू सिंह से उनके सक्सेस का राज पूछा गया तब उन्होंने सीधा सीधा अपने सक्सेस का क्रेडिट दुनिया के नंबर वन फिनिशर और भारत के पूर्व कप्तान एम एस धोनी को दे दिया है अगर आपको बता तो रिंकू सिंह ने मुकाबला समाप्त होने के बाद कहा कि मुझे नंबर छः पर बैटिंग करने और गेम फिनिश करने की आदत है मैं इस काम से बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ ठंडी परिस्थितियों का आनंद लिया हालांकि फील्डिंग करते समय ये कठिन था मैं बस अपने आप से बात करने की कोशिश करता हूँ छठे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए मुझे बहुत अधिक गेंदों का सामना करने या बहुत अधिक रन बनाने का मौका नहीं मिलता है यही बात मैं खुद से कहता रहता हूँ मैंने माही भाई यानी एम एस धोनी से बात की है उन्होंने मुझसे कहा कि गेंद के अनुसार रिएक्ट करो शांत रहो और मैं भी वही करता हूं मैं बल्लेबाजी करते समय ज्यादा नहीं सोचता बस गेंद पर याद करता हूं आप इस बयान में देख सकते हैं कि किस तरह एम एस धोनी के गुरु मंत्र का असर रिंकू सिंह की बल्लेबाजी पर हुआ और उसको फॉलो करते हुए ही रिंकू सिंह इतनी शानदार बल्लेबाजी टीम इंडिया के लिए कर पाते हैं पहले जब एम एस धोनी टीम इंडिया के लिए खेलते थे तब अपने करियर में उन्होंने इंडिया के लिए कई बार फिनिशिंग का रोल निभाया और इंडिया को मैच जिताया और उनके रिटायर होने के बाद अब रिंकू सिंह वो रोल अदा कर रहे हैं टीम इंडिया के लिए नंबर पाँच और छह पर बल्लेबाजी करते हैं और क्या खूब बल्लेबाजी करते हैं टीम इंडिया के लिए सिर्फ उन्होंने माँ जताऊ पारिया खेली है सबको काफी किया है आईपीएल के दौरान रिंकू सिंह ने एम से बातचीत करी थी और तो रिंकू सिंह की बल्लेबाजी आप लोगों को कैसी लगती है तो साथ ही जो उन्होंने बयान दिया एमएस को लेकर जो उनको क्रेडिट दिया अपने बल्लेबाजी का उसके बारे में आपका क्या कहना है छोटे जरूर बताइए आप देख रहे तूफान स्पोर्ट इस वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी भूलेगा